विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोविड पॉजिटिव मरीजों का उपचार और ऑपरेशन कर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। अधिकांश कोविड पॉजिटिव मरीज ऑपरेशन उपरांत स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, वहीं कुछ कोविड पॉजिटिव अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के प्रबंधन द्वारा पूरे घरेलू और धार्मिक वातावरण में अस्पताल में आए मरीजों का उपचार किया जाता है। यहां आए प्रत्येक मरीज के मर्ज को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम चैलेंज के रूप में लेते हुए उपचार आरंभ करती है। दैवीय कृपा से हर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटता है, जो अस्पताल की चमत्कारिक रूप से एक उपलब्धि ही कही जा सकती है। कोविड की तीसरी लहर में यहाँ आए अधिकांश पॉजिटिव विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, जिन्हें उपचार की तत्काल जरूरत थी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर उन्हें कोविड वार्ड में एडमिट कर कोविड का उपचार किया। ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव ऑपरेशन उपरांत अपनी बीमारी और कोविड को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं कुछ कोविड पॉजिटिव अस्पताल के कोविड वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कोविड के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से इन मरीजों को अन्य अस्पतालों द्वारा भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था। भर्ती मरीजों के परिजनों और कोविड स्टाफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं दिनेश कुमार मेंढेकर, मेरे पिताजी जो ओमराम जी मेंढेकर है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जिस स्थिति में मैं लाया था, उस देखने मतलब सांस में बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए जहाँ से मेरा रिपोर्ट मिला था उसमें कैंसर के बताया गया था। यहाँ पर आके उनका इलाज करने के लिए लाया गया। यहाँ ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाने के कारण सर लोग ने मतलब तुरंत उनको भर्ती करने बोले। तुरंत भर्ती करने के बाद उनके गले पे मतलब सांस लेने के लिए होल्ड किया गया और तुरंत इलाज चालू किया गया। क्या क्या स्थिति प्रॉब्लम है उनको, क्या प्रॉब्लम था? सांस लेने का प्रॉब्लम था। जो रिपोर्ट आया था उसमें कैंसर कुछ बताया गया उसमें, तो सांस यहाँ नली बनाई गई तुरंत और सांस का मतलब सांस चालू हुआ, उनको रखा गया। और जब डिस्चार्ज समय आया, जब कानून का मतलब ये किया गया रिपोर्ट, उस समय इनका रिपोर्ट जो करते नहीं, कोविड भी था क्या? हाँ, कोविड का रिपोर्ट निकाला गया, उसमें पॉजिटिव पाया गया। फिर इनके द्वारा तुरंत उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और लगातार निरंतर इनके द्वारा जाँच किया जारी किया गया इलाज, और अभी स्वस्थ है मेरे पिताजी। मैं मंजू ठाकुर, श्रीमती मंजू ठाकुर, मैं पाटन से आई हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को यूरिन की प्रॉब्लम था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके लिए एडमिट किया था। यहाँ गले में कुछ प्रॉब्लम था क्या? गले में प्रॉब्लम नहीं था सर, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जी। सर्दी खांसी ऐसे करके हम लोग लाए थे यहाँ जी। तो क्या कोविड पॉजिटिव निकले जी? जहाँ जाँच के बाद बताए कि पॉजिटिव हो गए करके बताए। अभी क्या कैसी स्थिति है? अभी तो बहुत सुधार आ गया है सर, फिर जो प्रॉब्लम था ना वो डायलिसिस कराने थे, बाकी बहुत अच्छे सुधार आ गए हैं। मरीज जब आया था उसकी स्थिति कैसी है अभी वर्तमान में, कैसी स्थिति है? उसका स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कैसी स्थिति है? अभी ठीक है पहले से। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुशांत कांडे ने कोविड पॉजिटिव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों के उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल के में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कोविड के चलते हुए ये हमारे अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस तरह को हम मरीजों को साथ साथ दूसरे मरीजों के साथ इलाज किया जाए। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका सबसे ऊपर का ये जो वार्ड है, हमारे अस्पताल में कोविड वार्ड के नाम से चिन्हित किया गया है। गत 10 दिनों से यहाँ पे कोविड से संक्रमित कुछ मरीज हमारे यहाँ इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं, जिनमें से किसी का हड्डी फ्रैक्चर हुआ था, किसी को सांस की तकलीफ़ थी, किसी को किडनी फेलियर था, डायलिसिस चल रहा था, और एक सिकल सेल अनीमिया जो एक बीमारी होती है उससे भी मरीज संक्रमित हो चुका था। जैसा हम जानते हैं, कोई भी मॉर्बिड कंडीशन जो पेशेंट के साथ में हो, ऐसे लोगों को कोविड बहुत ज़्यादा सीरियसली अटैक करता है। एक नॉर्मल मरीज, नॉर्मल पेशेंट कई बार कोविड से निकल सकता है, लेकिन जो मरीज सीरियस बीमारियों से भी क्षतिग्रस्त है, जैसे किडनी की बीमारी हो या फेफड़े की बीमारी हो, ऐसे मरीजों को जब कोविड संक्रमित होता है तो उनको जान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे 8-10 मरीज हमारे इस पीछे वाली बिल्डिंग के दूसरे माले में भर्ती हैं, जिनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। एक मरीज आया था जिसकी उम्र कर लगभग 60 साल की है, और किसी बाहर डॉक्टर को दिखा के आया था,
वहाँ पे ये लिखा गया था कि इसके गले में कैंसर की बीमारी शुरुआत है। ये मरीज बिल्कुल ही सांस की तकलीफ लेके आया था और कुछ क्षणों में ऐसा लग रहा था कि वो उसको उसकी मौत ही हो जाएगी। बिना कुछ तैयारी के, बिना कोई इंस्ट्रक्शन के, मरीज के रिश्तेदारों को बहुत जल्दी समझाया गया और वो भी समझ गए और तुरंत उन्होंने एग्री किया कि कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशन इसका हो, ये किया जाए। अब जब ऐसे मरीज को सांस लेने के लिए दूसरी एक नली बनानी पड़ती है जिसके द्वारा वह सांस लेता है, जिसे हम ट्रकियोस्टमी के नाम से जानते हैं, इस ऑपरेशन में सभी को, डॉक्टरों को, नर्सों को मरीज के मुंह के गले के पास खड़े होकर ऑपरेशन करना पड़ता है। मरीज को बेहोश नहीं कर सकते थे क्योंकि बेहोश करते तो उसकी जान चली जाती। एक सचेत अवस्था में एक ट्रकियोस्टमी करना, मरीज जब आपके मुँह पर खाँसता है तो सारे टीम के मेंबर्स को एक हाई रिस्क रहता है कोविड से क्षतिग्रस्त होने का, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय ध्यान नहीं रहता कि हम क्या करने जा रहे हैं, बस बचाना है मरीज को, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य था। मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर उसको तैयारी करके उसकी ट्रेकियोस्टमी कर दी गई और तुरंत देखा गया कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका 60-70 चल रहा था, 90-95 के आसपास पहुंच गया। मरीज सिम्टोमेटिकली भी बहुत रिलीफ फील किया और उसके रिश्तेदारों ने भी काफ़ी रिलीफ फील किया कि इसकी जान बच गई है। अब आगे कार्सिनोमा जो मैलिग्नेंसी है लैरिंग्स का, उसके लिए हम उचित जगह पे उसका इलाज के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। ये मरीज आज छुट्टी होने जा रहा है। ये मरीज भी कोविड से क्षतिग्रस्त था, यानी फेफड़े उसके पहले से ही ख़राब थे और उसके ऊपर सांस की नली में इतनी बड़ी रुकावट, तो जान को खतरा होता ही है, लेकिन हमने आखिरी कोशिश की और आज ऊपर वाले को धन्यवाद कि हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा। मेरे दाहिने तरफ खड़े हैं श्री शुक्ला जी, अश्विनी शुक्ला जी, जो हमारे चीफ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। इन्होंने भी तुरंत उस मरीज का जो लिखा पढ़ी का काम है करते हुए सामान का अरेंजमेंट करके, और इस तरह हमारी पूरी टीम है, बेहोशी के डॉक्टर भी हैं और ENT के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने तुरंत आके जांच भी किया और इन्हें बताया कि पहले ट्रकियोस्टमी ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास दूसरे मरीज जो किडनी फेलियर लेके आए थे, यानी उनका पेशाब बिल्कुल बंद हो चुका था, ऐसी स्थिति में आए, हमने टेस्ट किया, वहाँ हम पाए कि उनका किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और बिल्कुल ही पेशाब नहीं आ रहा। ऐसे मरीज को डायलिसिस के सिवाय कोई चारा नहीं था। जैसा मैंने पहले बताया, ऐसे मरीजों को अगर कोविड से संक्रमित हो उनके मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती। मैं डॉक्टर सुशांत कांडे, MD मेडिसिन, SR अस्पताल चिखली में मेडिसिन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। पिछले गत दिनों में कोविड के 7-8 से पेशेंट यहाँ पे गंभीर अवस्था में भर्ती हुए थे। उसमें से बहुत सारे पेशेंट, एक पेशेंट जो है यंग लड़का जो है, कोविड के साथ साथ उसको सिकल सेल की बीमारी थी, खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो सिकलिन के क्रिटिकल कंडीशन में हमने उस पेशेंट को कोविड से बाहर निकाला और उसके जो सिकलिन की बीमारी है उसको भी हमने ठीक किया। इसके साथ ही एक बुजुर्ग महिला जो हड्डी के ऑपरेशन के साथ साथ कोविड इन्फेक्टेड हो गई थी, उसका भी सफल इलाज SR अस्पताल की टीम ने बहुत अच्छी तरीके से किया। अभी मेरे SR अस्पताल में कोविड के जो पेशेंट का जो इलाज है वो मेरे अंदर हो रहा है। और एक पेशेंट है मिस्टर राजेश ठाकुर, जो कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और CKD की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उसका पेशाब जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका था, उसको डायलिसिस की अत्यंत आवश्यकता थी और उसके साथ साथ उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा था। उस पेशेंट का जो CT स्कोर है बहुत सीवियर था, 18/25 था, तो दोनों ही फेफड़ों में पानी जमा हुआ था, निमोनिया का बड़ा इन्फेक्शन था, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ साथ किडनी की परेशानी, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज लाया गया था, जिसे SR अस्पताल की टीम ने मेरे अंडर में और ICU की टीम ने बहुत ही सुविधा के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को कोविड के सिचुएशन से बाहर निकाला। पेशेंट को डायलिसिस की सुविधाएं हमने प्रदान की। अभी पेशेंट एक स्टेबल कंडीशन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि SR अस्पताल की टीम ने SR अस्पताल का जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं, सर के मार्गदर्शन में, मिस्टर संजय तिवारी सर के मार्गदर्शन में। यहाँ की डॉक्टरों की जो टीम, अनुभवी टीम, बहुत ही अच्छा एक सराहनीय काम कर रही है। हम कोविड से रिलेटेड पेशेंट और अन्य किसी बीमारी से पेशेंट का इलाज करने के लिए यहाँ पे सक्षम है। यहाँ पे सर्वसुविधा युक्त अस्पताल है जो 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है।
एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि मरीजों को स्वस्थ होकर लौटना ही उनकी पूंजी है। अस्पताल में दैवी कृपा और विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की वजह से यह संभव हो पा रहा है। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। वर्तमान में जो समाज में कोविड-19 का जो नया वायरस ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस आया है, इससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल चिखली में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, समस्त टीम के द्वारा, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा, अन्य सभी स्टाफ के द्वारा सेवा भाव से सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाई गई है, उन गाइडलाइन व नियमों का पालन किया जा रहा है। इस अस्पताल पे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई विशेष देवी कृपा है, मरीज यहाँ से ठीक होके जाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी पूंजी, हमारी कमाई यह होती है कि कोई भी मरीज जब स्वस्थ होके जाता है तो बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है स्वयं मुझे और अस्पताल की सभी टीम को। कोविड के तीसरे वायरस ओमिक्रॉन के दौरान कई मरीज भर्ती हुए अस्पताल में, जहाँ बहुत सारी मौतें हो रही थी, बहुत सारे मरीज गंभीर आ रहे थे। ऐसे मरीजों का हमने ट्रीटमेंट किया और देवी कृपा है कि किसी भी प्रकार की मोर्टलिटी या मौत आज दिनांक तक एसआर हॉस्पिटल में तीसरे वायरस में नहीं हुई है। कई सारे मरीज हैं, जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, एक मरीज जो बालोद जिले से आई थी, नाम उसका सेजिया भाई चंद्राकर, जिसका जो है कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, उसका ऑपरेशन किया गया। पेशेंट कोविड पॉजिटिव थी, कई अस्पतालों में गई, उसे उपचार नहीं मिल पाया, किंतु हमारे अस्पताल के डॉक्टर, अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिन्हा, उनकी टीम ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और मरीज का उपचार किया, मरीज की जान बचाई। इसी प्रकार एक मरीज आया जिसके गले में कैंसर था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कैजुअल्टी में आया, आपातकालीन परिस्थिति में डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता जो अस्पताल अधीक्षक हैं, डॉक्टर विश्वामित्र दयाल साहब जो सर्जन हैं, इनके अथक प्रयास से उसकी जान बचाई गई। तुरंत पेशेंट का इमरजेंसी में जो है वो ट्रैकोस्टॉमी ऑपरेशन किया गया, तब मरीज की जान बच पाई। मरीज की छुट्टी हो चुकी है, वह भी मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। इसी प्रकार एक महिला आई जो कि गर्भवती होने के बाद उसकी डिलीवरी हो गई थी और लगभग 1 से 1.5 महीना का उसका छोटा बच्चा था, वो कोविड पॉजिटिव थी। उसमें हमारे बच्चों के डॉक्टर ने, मेडिसिन के डॉक्टर सुशांत खांडे साहब ने, बच्चों के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर SP केसरवानी साहब और संयुक्त टीम ने अथक प्रयास किया और बच्चे को और माँ को, दो दो जिंदगी, दो दो जान हैं, उसे सुरक्षित घर भेजा। सभी मरीज घर जा चुके हैं। इसी प्रकार एक मरीज आया जिसका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बड़ा हुआ था, उसका यूरिन आउट नहीं था, पेशाब नहीं हो रहा था, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 80 से भी कम था। ऐसे मरीज को भी अस्पताल द्वारा ठीक किया गया, उसका डायलिसिस कराया गया, डायलिसिस की व्यवस्था कराई गई और उसे उपचार प्रदान किया गया। एक और मरीज आया जो युवा था, यंग था लड़का, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और पेशेंट का जो HB था वह 4 ग्राम के आसपास था। जांच कराई गई अस्पताल द्वारा, वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। कोविड पॉजिटिव पाने के बाद उसका कोविड नियमों के तहत उपचार किया गया और मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। कई प्रकार के गंभीर मरीज आए इस दौरान और ईश्वर की देवी विशेष कृपा थी कि SR हॉस्पिटल में सभी मरीज सकुशल स्वस्थ होकर अपने घर को जा चुके हैं। और SR अस्पताल कटिबद्ध है, समाज में कभी भी अगर SR हॉस्पिटल की जो आवश्यकता पड़ेगी तो SR हॉस्पिटल अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। SR हॉस्पिटल की टीम, समस्त डॉक्टरों का, समस्त नर्सिंग स्टाफ का, समस्त कर्मचारियों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मानव की सेवा कर रहे हैं, जिनके मन में नारायण की सेवा ही नर की सेवा है, ये भाव रखते हैं। समस्त स्टाफ यह भाव रखते हैं कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। इस भाव का समस्त स्टाफ रखते हैं और इसी भाव से काम करते हैं। ऐसे समस्त स्टाफ को, ऐसे समस्त देवदूतों को मैं सादर प्रणाम करता हूं कि वह समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और जो आपकी टीम है,
एशियन की टीम, ग्रैंड की टीम या अन्य समस्त जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, समाज में इस प्रकार की खबरों का प्रसारण करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और समाज में यह बताते हैं कि कहाँ पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा सहयोग सदैव प्राप्त होता है, आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा, एशियन चैनल के द्वारा, तो उस सारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सभी बीमारियों का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि यहां दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों से भी मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं और स्वस्थ होकर लौटते हैं। मरीजों के लिए अस्पताल एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।